सागर और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी मॉर्निंग वॉक के बारे में, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मॉर्निंग वॉक के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और मोस्टली लोगों को शायद मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे नहीं पता होते हैं, तो वो लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं इसको भी आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग खुद भी करिए और अपने बच्चों से भी बोलिए कि वो करेंगे, तो आगे आगे उन लोगों को भी हैबिट हो जाएगी मॉर्निंग वॉक करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा हमारा होता है कि मॉर्निंग वॉक से हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक चलने से हमारे ब्लड प्रेशर तेज होता है, धीरे होता है, तो इससे हम लोगों का एक एडजस्ट हो जाता है, हम लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल बना रहता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहे, तो प्लीज़ आप लोग भी मॉर्निंग वॉक ज़रूर किया कीजिए। और 30 मिनट तक मॉर्निंग वॉक करते रहने से हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और इसका एक और फ़ायदा होता है मॉर्निंग वॉक का, कि आप ओबेसिटी से दूर रहते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा, आप मोटापे से काफ़ी दूर रहते हैं। इससे मॉर्निंग वॉक करने से ऑटोमेटिक हम लोगों का जो फैट होता है बॉडी का, वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है। और डे बाई डे जैसे आप करते जाएंगे, काफ़ी दिन बाद आपको ये खुद महसूस होगा कि आपका जो फैट है वो कम होने लगा है। और इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि हम लोगों का जो हार्ट है वो बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि चलने से हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो तेज़ी से हार्ट की तरफ जाता है। जो हार्ट की तरफ से जो पंप कर रही हैं बॉडी की तरफ, जो नलिकाएं होती हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छे से हमारे हार्ट तक जो ब्लड अच्छे से जाता है, तो इससे हम लोगों का हार्ट भी सही रहता है। और मॉर्निंग वॉक करने से जो हम लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता है, जिससे कि हम लोगों को और भी जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं। और मॉर्निंग वॉक करने से साथ साथ हम लोगों का लंग्स भी अच्छा रहता है, जो लंग्स में जो जैसे लंग्स में हम लोगों के बहुत सारे छेद होते हैं, जिससे हम लोगों की अंदर हवा जाती है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली सांस लेते हैं तो बहुत नॉर्मल सांस लेते हैं, जबकि हम लोगों को लेनी चाहिए काफ़ी गहरी सांस। इसीलिए अनुलोम विलोम और प्राणायाम आप लोगों को बताया जाता है, जिससे हम लोगों के हार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। तो जब हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोगों की जैसे फास्ट वॉकिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम लोगों की जो सांस होती है, सांस फूलने लगती है, तेज़ तेज़ हम लोग चलते हैं, तो उससे हम लोगों के जो लंग्स होते हैं उसके जो होल होते हैं वो खुल जाते हैं, और हम लोग को सांस अच्छी आती है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा मॉर्निंग वॉक फ़ायदा करती है शुगर पेशेंट को। मोस्टली डॉक्टर ये बोलते हैं कि शुगर पेशेंट को मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, तो वो इसीलिए बोलते हैं, इससे हम लोगों की जो इंसुलिन ग्लैंड होती है वो एक्टिव रहती है, और इंसुलिन ग्लैंड जितना एक्टिव रहेगी उतने ही जो हम लोगों की बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। और इसके अलावा मॉर्निंग वॉक करने से आप तनाव से दूर रहते हैं, घर से निकलते हैं बाहर और आप लोगों को चार लोग दिखते हैं, आप बातचीत करते हैं, इससे आपका तनाव भी थोड़ा कम रहता है। और इसके अलावा मॉर्निंग वॉक से रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों को बढ़ती है, जो आगे आने वाली बीमारियां हैं शायद वो भी हम लोगों को नहीं होंगी। और शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, उनको तो ज़रूर टहलना चाहिए शुगर पेशेंट को, और बाकी जो नॉर्मल जिनको कोई भी बीमारी नहीं है तो वो भी टहल सकते हैं, बिल्कुल आराम से टहलिए। अगर आप डेली अपनी आदत बना लेते हैं मॉर्निंग वॉक करने की, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा और मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर से ज़रूर टाइम निकालिएगा। आई होप कि टाइम नहीं होता है आजकल हम लोगों के पास, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा जितना भी टाइम आपके पास है, तो प्लीज़ आप लोग टाइम जरूर निकाल लीजिएगा, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जो लोग और सारी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही एक बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप मॉर्निंग करिए, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, कोई भी आपको ना कोई खर्चा है ना कोई मेहनत है, बस चलना है चलना है, और चल चल के ही आप देखिएगा आप इतना हेल्दी हो गए, आपकी बॉडी बिल्कुल शेप में आ गई, बिल्कुल मेंटेन हो गए हैं आप,
और बहुत से इंटरनल जो फ़ायदे हैं वो आपको होंगे। और साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग में ही क्यों की जाती है, इसका भी रीज़न है क्योंकि मॉर्निंग में वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, कोई गाड़ी का धुआं, कोई वॉइस नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, बहुत ही प्लीजिंग होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि मॉर्निंग में ही मॉर्निंग वॉक करिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, जिससे आप लोगों को बॉडी में बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो आगे चल के नहीं होंगी। जो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अभी भी आप चेत जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात थोड़ी भी अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ आप लोग भी स्टार्ट कर देना मॉर्निंग वॉक। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और मैं भी करती मॉर्निंग वॉक कहाँ जाती हूँ वही मैं आपको अभी आगे की वीडियो में दिखा दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अपनी फ्रेंड एलवन मधुर नगर।